गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे वक्त से गुजर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है ये कैलिस्थेनिक्स पे है। जैसे कि मैंने आपको पार्कोर की एक प्रॉपर प्लेइंग दिया, डे वन से डे हंड्रेड तक हम एक स्टूडेंट के ऊपर प्रॉपर पार्कोर मिनिमम इक्विपमेंट के साथ सिखा रहे हैं। अब बात यह है कि पार्कोर थोड़ी सी डिफिकल्ट मूव है और सेफ्टी लेवल उसमें बहुत कम है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स जब बात होती है तो कैलिस्थेनिक्स हमारी अपर बॉडी से रिलेट करती है और इसमें टोटल स्ट्रेंथ होता है और इस स्ट्रेंथ के साथ साथ सेफ्टी लेवल इसमें 100% है। आपको कोई भी मसला नहीं होगा और जिस तरह हम सिखा रहे हैं आप इस तरह से सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप सब सीख रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमने पहली वीडियो कैलिस्थेनिक्स डाली है मैं ऊपर लिंक पे दे रहा हूँ और इसके साथ जो फर्दर हमने दूसरी प्लेलिस्ट डाली है जो कि पार्कोर, वो मैं आपको ऊपर लिंक पे दे रहा हूँ। तो गाइस आज की जो पहली ट्यूटोरियल वीडियो है, या आप डे वन कह सकते हैं, वो वीडियो हम बना रहे हैं पुशअप्स के ऊपर। तो पुशअप्स को मैंने 5 ईजिएस्ट एक्सरसाइजेस में डाल दी। अब बात यह है कि मैं इस चीज़ को लंबा इसलिए कर रहा हूँ, इन डे वन टू डे हंड्रेड को लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक एक टिप के साथ सिखा सकूँ। क्योंकि गाइस आप सब जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप लोग फिट होंगे, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो थोड़े भारी होंगे, थोड़े वजनी होंगे और उनको मुश्किल पेश आती होंगी एक सिंपल पुशअप लगाने में भी। तो मैं इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ कि मैं आप सबके साथ रिलेट कर सकूँ और आपको प्रॉपर बेसिक्स से लेके एक्सट्रीम लेवल तक सिखा सकूँ। तो पुशअप की पहली एक्सरसाइज शुरू करके 1 2 3 4 5 एक्सरसाइजेज हैं, तो पहले एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस हम इजीएस्ट वे से हार्डेस्ट वे की तरफ जाएंगे। अब्दुल्ला भाई अगर आप इस तरफ आएंगे ना तो मेरे से बेटर वे में जो है नज़र आ जाएगा हमारी ऑडियंस को। सो हम सबसे इजीएस्ट से हार्डेस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे इजीएस्ट क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमने ऐसी कोई पोजीशन ढूंढनी है। ये देखें मैंने अभी ये याद की है 5 एक्सरसाइज, मैंने जो इक्विपमेंट था हमारे पास, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स वो स्पोर्ट है जिसमें आपको मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल इक्विपमेंट वैसे नेचुरली तौर पे नहीं चाहिए होता। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कोई जगह ढूंढेंगे, कोई एरिया ढूंढेंगे जो हमें थोड़ा सपोर्टिव हो। सबसे पहले एक्सरसाइज हमने क्या करनी है, हमने इस तरह से कोई जगह ढूंढनी जिसमें पावर अप करेंगे या इतना करीब भी आप पहुँचें तो मसला नहीं है। मैं इसको थोड़ा मैं पहले ईजी पे आ जाता हूँ। ये देखें इसमें मैं बिल्कुल ईजी हूँ, ये ठीक हो गया, ये आपके सामने एक्सरसाइज चल रही है। अब इसी को मैं थोड़ा सा, अब देखो मुझे बिल्कुल वेट फील है, अब इसी को थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड किया ठीक है, 1 2 3 4 5 ठीक है। आपने जब आप बिगनर लेवल पे हैं, आप मूवमेंट्स करने में वीक हैं, तो आप मेरी एक्सरसाइज को स्किप कर दें, मतलब आप इस स्ट्रेंथ के मुताबिक। अब मिसाल है कि कोई बंदा इस चीज़ को बहुत ईजीली कर रहा है तो वो इसको स्किप कर दे, सेकंड की तरफ चला जाए, और जिसके लिए बिल्कुल मुश्किल है वो इसको पिक कर ले और उसके साथ साथ अगली एक्सरसाइज। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो जो बंदा ये एक्सरसाइज करना चाहता है तो मैं बताता चलूँ कि हर एक्सरसाइज जो फिटनेस से रिलेटेड होती है वो 3 उसके राउंड होते हैं ठीक है। उसके अंदर मिनिमम 12 आपकी अटैम्प्ट होनी चाहिए, नहीं तो आप उसे कम करो, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उतनी एक्सरसाइज कर। अब हम सेकेंड गाइस, अभी हमारी पोजीशन इस शेप में थी, थोड़ी आसान थी, अब इसको हम थोड़ा सा मुश्किल करेंगे ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हम इस तरह से करेंगे। ये भी बहुत आसान है, ये देखें मुझे देखिएगा, 1 2 3 4 5 आई थिंक सो कि मेरी जो पुशअप की फुल स्ट्रेंथ इंसान के बाजू पे आती है उसका सिर्फ 10% मेरा जोर लगता है। मैं क्योंकि मेरे पास यहाँ स्टेप बने हुए हैं तो मैं आपको इसके अंदर ही थोड़ी सी वेरिएशन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल करके दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ आ गया इस पोजीशन पे आ चुका। अब इसमें मेरी बॉडी का आई थिंक 30% यूज हो रहा है जो मेरा जोर है ठीक है, इसमें आ गया। अब इसको अगर इसी को अगर मैं थोड़ा हार्ड में, अभी आपको सिर्फ वेरियंट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हमारी एक ही एक्सरसाइज है, तीसरी चौथी पाँचवीं एक्सरसाइज कोई और है ठीक है। थोड़ा इसी को हार्ड, एक शेप ऐसी बनी हुई है, 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। तो गाइस इसमें मेरी बॉडी का 50% यूज हुआ है ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। सो गाइस ये भी समझ लें कि थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने, जब आप पहली दो बिगनर एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, तो ये इसके काबिल आप हो जाएंगे। अब इसमें क्या करें, आप इस तरह किसी भी बार का सहारा ले लें, ज़्यादा नीचे जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये सिंपल पुशअप से भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप ज़्यादा नीचे जाएंगे, तो आपने ज़्यादा नीचे नहीं जाना, कम से कम अपने फेस के सामने रहें, तो बिल्कुल ये रहें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, ताकि आप ये बस थोड़ा सा आपने अपनी बॉडी को इसमें पुशअप की पोजिशन में यूज़ करना है। 100% नहीं जाना, क्योंकि आप 100% जाएंगे तो आम पुशअप, ये देखें अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो आम पुशअप से मुश्किल हो जाएगा ठीक हो गया। ये देखें तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, तो उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज। तो गाइस इस पूरी
पूरी वीडियो में पहले मैंने प्लान किया था कि मैं सारी जो बेसिक एक्सरसाइज है वो एक वीडियो में डाल दूँ, लेकिन मैंने फिर अपने प्लान को चेंज किया है। अब मैं आपको हर एक मूवमेंट को बिल्कुल तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के छोटे छोटे एक्सरसाइज में तोड़ के आपको सिखाऊंगा। अभी पुशअप्स की बारी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चिन अप फिर पुल अप इसी तरह से सिटअप्स पे जाएंगे, फिर स्क्वाट्स पे जाएंगे, इंशाल्लाह इसे वर्क करेंगे। अब हमारी चौथी एक्सरसाइज है, थोड़ा करीब हो जाए मेरे। अब चौथी एक्सरसाइज पे आपने नीज पे बैठ जाना है और पुशअप की यानी समझ लें कि ये पुशअप की पूरी जो सिचुएशन होती है, पूरी कंडीशन होती है, उसमें आपने अपनी नीज को नीचे टच कर लेना। अब इसमें दो तरह से है, आप कर सकते हैं कि अपने आप टोज भी टच रखें नीचे, या टोज को इस तरह से अपनी पाँव की एक सीजर टाइप बना के कैंची बना के इस तरह से उठा लें। अब इसमें आपके लिए मदद ज़्यादा है अगर आप इसको सीजर बना लेते हैं, क्योंकि जब आपने जाना है नीचे तो आपने लेग्स को भी नीचे ले जाना है, जब आपने आना है ऊपर तो लेग्स को भी उठा लेना है। इसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और कोशिश कीजिएगा कि नीज जहाँ पे आप रख रहे हैं वो थोड़ी नरम और सॉफ्ट जगह हो। ये हार्ड है तो मुझे इसमें नीज पर थोड़ा सा दर्द आ रहा है, तो आपने इसमें आपने हमेशा देर में रखना है कि पुशअप जो है वो हमेशा शोल्डर डिस्टेंस होती है, जो नेचुरल हमारा शोल्डर डिस्टेंस है। आपने पार्कोर या कैलिस्थेनिक्स इस चीज़ को नहीं भूलना, क्योंकि जब भी आपने कोई मूवमेंट सीखनी है तो शोल्डर। अब मसला क्या है कि अगर आप शोल्डर डिस्टेंस से ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका सारा वेट आपकी चेस्ट पे आएगा, चाहे आप चीना पुशअप कुछ भी लगा रहे हैं वो चेस्ट पे सारा आएगा, इफेक्ट आएगा, लेकिन आपके मसल नहीं डिवेल्प होंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्लोज करेंगे तो आपके बाइसेप ट्राइसेप डिवेल्प होंगे, आपकी चेस्ट स्किप हो जाएगी। तो इसलिए आपने एक नॉर्मल लेवल रखना है ताकि आपके सारे मसल एंगेज हों। इसमें मैं करके आपको दिखाता हूँ, फाइव पुशअप्स लगा के दिखाता हूँ। ये जब आप तीन एक्सरसाइज कर लेंगे तो चौथी एक्सरसाइज आपके लिए नेचुरली ईजी हो जाएगी। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ओके गाइस, ये चौथी एक्सरसाइज थी। अब बारी है पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज की, वो पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज खुद पुशअप्स है, ठीक है। तो हम पुशअप की तरफ जाने लगे। जब आपने चार एक्सरसाइज कर ली हैं और आपने नीज के साथ पुशअप्स लगा ली हैं तो ये नेचुरली बात है कि आपकी बॉडी इस काबिल हो गई है कि एक पुशअप लगा सके। तो एक पुशअप आपकी बॉडी जब इस काबिल हो गई तो आपने सबसे पहले एक पुशअप की तरफ जाना है, वही बात है, शोल्डर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना। आप बॉडी ना ज़्यादा झुकी हो ना ज़्यादा उठी हो, बिल्कुल लेवल सीधा हो, ठीक है। उसमें आपने ये सिंपल एक पुशअप लगाया, ये उठा लिया। सबसे पहले एक पुशअप लगा के देखें, अगर आपसे एक पुशअप लग रहा है कोई बात नहीं, आप एक ही लगा रहे हैं, दूसरे की तरफ नहीं जाना। शुरू में एक एक पुशअप करके आपने अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना है कि दूसरे सिर्फ दूसरे दो लगाने हैं, 1 2 अपनी एक्यूरेसी सेट रखनी है। उसके बाद दो पे आप सेट होते हैं तो आपने 1 by 1 अपने पुशअप बढ़ाते रहने। तो गाइस ये था वो इजीएस्ट वे जिसके थ्रू आप पुशअप को अपने क्लीन कर सकते हैं। देखिए जब तक आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पुशअप चिनअप्स ये वो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, इन सब पे आपकी दस्तरस आपको हासिल नहीं होगी तो आप एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज पे नहीं जा सकते। तो पहले हमारी वर्किंग यूनिट भी है, मैं आपके साथ खुद भी ट्रेन हो रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पार्कोर एथलीट हूँ, कोई कैलिस्थेनिक एथलीट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत फिटनेस मैं करता हूँ। तो खुद भी मैं अपने ऊपर भी हर एक एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और आपको भी साथ साथ सिखा रहा हूँ। तो गाइस यूँ ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।